Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। खाता धारकों ने जड़ा बैंक पर ताला, किया धरना प्रदर्शन। चंदौली जिले के इंडियन बैंक की दोनों शाखाओं पर पीड़ित लॉकर धारियों के द्वारा लामबंदी का कार्य शुरू कर दिया गया। दोनों शाखाओं पर पीड़ित परिवार के लोगों ने ताला बंद करके नारेबाजी शुरू कर दी है। पीड़ितों का कहना है कि आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो बैंक प्रबंधन और ना ही पुलिस प्रशासन कोई ठोस पहल करने में सफल रहा है। ऐसे में सारे पीड़ित लॉकरधारी अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं। पीड़ित लॉकरधारियों ने इस बात का ऐलान किया कि अभी यह बंदी जिला स्तर पर हो रही है, आगे यह बंदी जोनल कार्यालय और चेन्नई मुख्यालय पर भी की जाएगी। चंदौली जनपद के सारे पीड़ित लॉकरधारी एक साथ जोनल और बैंक के मुख्यालय पर बंदी के लिए एक साथ जाएंगे। पर्चे बताएं सर। मेरा नाम शिवेंद्र प्रताप तिवारी है और आज हम लोग यहाँ बैंक के सामने धरने पे बैठे हैं। वजह ये है कि 15 दिन पहले बैंक में डकैती पड़ी, जिसकी सूचना बैंक 3 दिन बाद दी। प्रशासन भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। 39 लाकर को तोड़ करके सबकी जीवन भर की कमाई पूंजी जो है चोरों ने चोर ले करके रफू चंपक। इसके बारे में हमने अधिकारियों से बात की थी। अधिकारियों से बात हुई, हमारे आला अधिकारी केवल आश्वासन पे आश्वासन देते रहे। SP साहब के पास हम लोग गए थे, उनका ये था कि शुक्रवार को मामले का जो है हल हम कर देंगे, आप लोग शुक्रवार को आइए, तब तक कोई धरना प्रदर्शन मत करिए। शुक्रवार के दिन इस बाबत जब बात करने के लिए हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो SP साहब ने साफ कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, इसके बाबत अगर आपको बात करना है तो आप बैंक से बात करिए। आज हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से बैंक में ताला बंद कर दिए हैं और जब तक बैंक के आला अधिकारी हमारी प्रतिमूर्ति कैसे की जाएगी ये नहीं बताएंगे, तब तक हम लोग बैंक चलने नहीं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो इस दशा में क्या करेंगे आप? इस दशा में हम लोग इसे अनिश्चितकालीन तक रखेंगे धरने को और लगातार बैंक बंद रहेगा, इसके लिए हम हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पर्चे बताएं। विजय तिवारी जी, आप लोग आज धरना के बैंक बंद कर, क्या है मामला? देखिए, कुल 40 लाकरधारी ऐसे हैं जो लूटे गए हैं। बैंक और पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं वो हमें आश्वासन 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 दे रहे हैं, तारीख पे तारीख बता रहे हैं, मोहलत पे मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन ये नहीं कोई बता रहा कि हम करेंगे क्या और कब तक करेंगे। बस समय कैसे बीत जाए, चुनाव कैसे हो जाए, मामला कैसे शांत हो जाए, इसी पे सबकी नियत है। हम लोगों ने पुलिस कप्तान के ऊपर भरोसा करके बैंक के अधिकारियों के सामने बातचीत की थी, अपनी मांग रखी थी और सारी बातें उन्होंने कहा था कि लिखा पढ़ी में आप दीजिए, आपको लिखा पढ़ी में जवाब मिलेगा। अरे हुजूर, पुलिस कप्तान के कहने पर, बैंक के जोनल अधिकारी के रहने पर, हम सारे लोगों की बात पर, लिखा पढ़ी की बात करके अगर बैंक मुकर जाए और कप्तान ये कह दे कि बैंक का काम है आप लोग बैंक से निपटिए, तो भरोसा किस पे आप करोगे? जी, कप्तान ने हमसे कहा कि आप लोग बैंक से लड़ाई लड़िए, पुलिस आपके और बैंक के बीच में नहीं आएगी, हम आपके साथ हैं। हम लोग इसी बात को लेकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बैंक जब तक हमको फैसला नहीं सुनाएगा तब तक हम बैंक को कोई काम नहीं करने देंगे।